हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे निर्वाचन आयोग जो कि बात करता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन होता क्या है, इसके अंतर्गत कार्य क्या होते हैं, इनकी वेतन कितनी होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन कार्य करता है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 15 में एंड आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसे डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया है? अनुच्छेद 324 से 329 तक। अब यहां पर जब हमारा जो निर्वाचन आयोग जो है बनकर तैयार हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन निकल के आता है कि मैम मतदाता दिवस कब होता है? मतदाता दिवस तब होता है जब हमारा निर्वाचन आयोग जो है बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था? 25 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग तैयार हुआ था, स्थापना हुई थी, तो स्थापना के समय सिर्फ एक मेंबर होते थे जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाते थे। अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि मुख्य निर्वाचन आयोग जो है, आयुक्त जो है पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे, इसको नोट आउट कर लेंगे। तो पहले सिर्फ एक मेंबर का सिर्फ निर्वाचन आयोग होता था, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसे दो और सदस्य को इसमें ऐड कर दिया गया। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और दो और सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 साल 65 ईयर तक होता है, एंड जो दो और मेंबर होते हैं वो 6 ईयर एंड 62 ईयर तक कार्य करते हैं, उनका कार्यकाल ये होता है। अब यहाँ पर चलते हैं कि वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? राइट टू वोट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये डिफाइन किया गया है 326 में। कहाँ डिफाइन किया गया है? 326 में डिफाइन किया गया है। वोट देने की जो पहले जो उम्र थी वो कितनी थी? 21 ईयर थी 1988 से पहले, लेकिन 61st अमेंडमेंट किया गया 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन में, और 21 ईयर से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 ईयर कर दिया गया। अब यहाँ पर निर्वाचन आयोग जो है किसके किसके मेंबर्स के मेंबर को किसको किसको निर्वाचन करता है? पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हो गए, और भी कार्य को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और दो और सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको दर्जा जो है किस तरीके का दिया जाता है? दर्जा जो हमारे उच्चतम न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मीन्स की सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसके उसके अंतर्गत जो है दर्जा दिया जाता है, मीन्स की मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वेतन की बात की जाए तो वेतन जो है 2,50,000 है, मीन्स की 2.5 लाख रुपया वेतन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिया जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए कि इनकी वेतन जो है, या फिर वेतन हो गए या भत्ता हो गए, कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब यहाँ पर इनको हटाया कैसे जाएगा? अब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इनको हटा दिया जाएगा, इनको महाभियोग के द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के अंतर्गत ही इनको हटाया जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत, राष्ट्रपति को महाभियोग के अंतर्गत हटाया जाता है, उसी प्रकार मुख्य जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी कैसे हटाया जाता है? आपके महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। अब यहाँ पर पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो यहाँ पर कौन थी? आपकी वी एस रामा देवी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। अब इनके कार्य की बात की जाए कि क्या क्या कार्य होते हैं, इनके कार्य जो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन,
क्या करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, किस प्रकार मतदाता सूची है उसको तैयार करवाना हो जाता है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, जैसे राजनीतिक दल है हमारे जो कांग्रेस हो गए या फिर भाजपा हो गई या फिर आम आदमी पार्टी है, उसको राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करवाने का काम भी किसका होता है, जो निर्वाचन आयोग का होता है। एंड अगर हम बात करें कि राजनीतिक दलों को जो आरक्षित चिन्ह जो है कौन देने का काम करता है, वो निर्वाचन आयोग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल है, कांग्रेस का हाथ है और फिर आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। वैसे मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, इससे अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। एंड यहाँ पर बात करें कि और नेक्स्ट कार्य जो है चुनाव करवाना, क्या कार्य हो जाता है, चुनाव करवाना हो जाता है। एंड राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, क्योंकि जब चुनाव होता है तो आप सुनते होंगे कि आचार संहिता लग गया है तो कोई टेंडर नहीं निकाला जाता है, आचार संहिता लग जाता है तो बहुत सारे चीजों का पेमेंट रुक जाता है, जो सरकारी बड़े बड़े कार्य होते हैं उसके अंतर्गत पेमेंट को रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से आचार संहिता लग जाता है, जिसके अंतर्गत हम जो है बहुत सारे कार्य को नहीं कर सकते हैं, रोक दिया जाना ही कहलाता है आपका आचार संहिता। एंड अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, तो अभी रिसेंट की बात की जाए, तो रिसेंट जो इलेक्शन जो हमारे कमिश्नर है वो कौन है, आपके राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार है। एंड इसके अंतर्गत और भी जो क्वेश्चन है पूछ सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मैम इससे और क्या क्या क्वेश्चन जो है निकल के आ रहे हैं। वैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि रिसेंट में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए, तो कौन है, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Till then, bye, thank you.